Let's start chapter number 54 and the chapter 54 is geological wonders. So, देखते हैं क्या wonders हैं इसमें. So, read the clues and name the following. So, आप यहाँ पर देख रहे हैं the spectacular land formed in Mauritania Sahara Desert. ये spectacular land है. Okay, landform है कहाँ पर? मॉरिटानिया में. ये बहुत बड़ा है. इज सो ह्यूज विद द डायमीटर ऑफ 30 miles. 30 miles के डायमीटर के साथ कि ये स्पेस से भी विजिबल है. ओके, दैट इट इज विजिबल फ्रॉम स्पेस और इसका नाम है आई ऑफ द सहारा. नाउ दिस वन द मोस्ट एस्टोनिशिंग सबमरीन केव. ये एक सबमरीन केव है और सिंक होल, और ऐसा लगता है जैसे सिंक होल है फाउंड ऑन द अर्थ. ये पृथ्वी पर पाई गई है. इट इज़ लोकेटेड 60 miles ऑफ द कोस्ट ऑफ बेलीज सेंट्रल अमेरिका. ये 60 miles ऑफ है कोस्ट ऑफ बेलीज सेंट्रल अमेरिका से और इसका नाम है ग्रेट ब्लू होल. राइट, ग्रेट ब्लू होल. आगे चलते हैं. नंबर 3, अ रेड रॉक स्टनर ऑन द बॉर्डर ऑफ एरिजोना एंड यूटा यूएसए इज मेड ऑफ 190 मिलियन ईयर्स ओल्ड सैंड ड्यून्स दैट हैव टर्न टू रॉक. ये एक रेड रॉक स्टनर है, बॉर्डर पर है एरिजोना और यूटा के जो कि यूएसए में है, और ये बना है 190 मिलियन ईयर पुराने सैंड ड्यून से, मतलब रेत के टीले से जो कि अब पत्थर में बदल चुका है. ओके, दैट हैव टर्न टू रॉक. इट इज एक्सेसिबल ओनली ऑन फुट. यहाँ पर हम सिर्फ ऑन फुट जा सकते हैं. ओके, सो इसका नाम है द वेव. द वर्ल्ड फेमस नेचुरल मॉन्यूमेंट. ये एक वर्ल्ड फेमस नेचुरल मॉन्यूमेंट है जिसका इंटीरियर एक हैज अ ह्यूज इम्प्रेसिव एंड वंडरफुल लेक. ओके, जिसका इंटीरियर में एक बहुत वंडरफुल और इम्प्रेसिव लेक भी शामिल है. सो इसे कहते हैं ब्लू लेक केव. चलिए, इट इज कंपोज्ड ऑफ अराउंड 1268 कोन शेप्ड हिल ऑफ अबाउट द सेम साइज. ये बना है 1268 कोन शेप्ड हिल्स जो कि सब लगभग सेम साइज की थी और स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ मोर देन 50 स्क्वायर किलोमीटर इन बोहोल फिलीपींस. और ये फैला कितना है? 50 स्क्वायर किलोमीटर बोहोल में, फिलीपींस में. और ये है चॉकलेट हिल्स. नंबर 6 इज द मोस्ट विजिटेड. ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर घूमा जाता है और फोटोग्राफ्ड शॉट कैनियन. लोकेटेड है ये नावोजो लैंड नियर पेज एरिजोना यूएसए में और इसका नाम है एंटीलोप कैनियन. ओके, तो बच्चों आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन और इनके नेम्स अच्छे से लर्न करने हैं और इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है. थैंक यू.